Okay, this is Prince Sony. What we have to do? First of all, we have to open VS Code, and I will show the code. What about the assignment? सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि हम एक इंडेक्स फाइल बनाएंगे. इंडेक्स फाइल बनी बनी आती है, तो फिर आप ये क्या करना है इसके अंदर कि जैसे कुछ चेंजेस किए हुए नए. सबसे पहले हमने क्या किया कि कुछ फाइल्स को इंपोर्ट करा है, जहाँ हमने कुछ क्रिएट किए अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग सेक्शन में क्रिएट किए. तो यहाँ पे यूजर कंट्रोलर है, रिक्वायर है. तो बेसिकली हम इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं. इंडेक्स में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आए, अब मोमेंट को यूज़ किया है, रिक्वायर को यूज़ किया है, मोमेंट को यूज़ किया है. यहाँ पे एक ये चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्यों यूज़ की है कि मोमेंट क्या करता है, एक फॉर्मेटिंग बेस्ड टाइमिंग प्रोवाइड करवाता है. तो फॉर्मेटिंग बेस्ड इन द सेंस, जिस फॉर्मेट में हम देंगे उस अकॉर्डिंग वो टाइमिंग प्रोवाइड करवाते हैं. जैसे कि हमें सबसे पहले क्या करना था, एक टाइमिंग प्रोवाइड करवाना था. जैसे कि आज 2022 है, तो मंथ तो बता देंगे, जैसे कि 8वां महीना है और 24 डेट है. ठीक है, अब क्या करेंगे, तो एक बार लिख लेते हैं. ठीक है, अब जैसे ये चल रहा है, अब ये क्या कर रहा है, ईयर ईयर हो गया है, मंथ हो गया है और डे हो गया है. तो इसी फॉर्मेट में हमको ये शो करवाना है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया है कि टाइमिंग दिया है, टाइम फॉर्मेट क्या होना चाहिए, अब आवर्स होना चाहिए, आने चाहिए मंथ आना चाहिए और सेकंड्स आने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे शो करा है. लेकिन अभी जैसे इसको जो भी चीज है इसको क्लियर कर देते हैं एक बार. एक बार आउटपुट बता देता हूँ मैं, आउटपुट किस अकॉर्डिंग आ रहा है. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट थी डेट की, ये डेट एग्जैक्टली वैसी आ रही है. और यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइमिंग ओवर्स के अंदर, कि आवर्स के अंदर टाइमिंग क्या चल रहा है, 8:40 चल रहा है, तो 8:40 आ रहा है ना. वो पहले मैंने एग्जीक्यूट किया था जब भी कहा रहा है. तो अभी क्या हो रहा है, अब जैसे सेकंड से 20 सेकंड आ रहा है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये वाला टाइमिंग तो हो जाएगा इसके बेसिस पे, जैसे कि एड चल रहा है ना, और मंथ कौन सा, नहीं मिनट क्या चल रहा है अपने, 44 चल रहे हैं, और सेकंड क्या चल रहा है हमें पता नहीं है. ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आ जाएगा. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जहाँ पे आईडी क्लिक रिमोट पे जाएंगे और वहाँ का पाथ, जो राउट का जो एड्रेस होगा ना, वो पिकअप करके यहाँ पे प्रिंट करवा देगा. तो अब यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे वो काम कर देगा. जैसे कि कुछ APIs है हमारी, टेस्ट मी करके हो गई है या कोई भी हो गई, तो उसका जो एड्रेस आएगा ना, रिमोट एड्रेस, जैसे कि बाय डिफॉल्ट तो हमें बताया है कि ये वाला अगर आउटपुट आया तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो फिजिकली एड्रेस होता है 0.0.0.1 आता है. ठीक है, बेसिकली फिजिकल एड्रेस गेट हो रहा है, मैं तो इसमें कोई इशू नहीं है. तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल जो URL है हमारा, जैसे कि टेस्ट में हो गया. ठीक है, टेस्ट में होने के बाद अब यहाँ पे जैसे कि रिक्वेस्ट डॉट आईपी है, तो आईपी क्या करता है, बेसिकली रिटर्न टू द रिमोट एड्रेस और व्हेन ट्रस्ट प्रॉक्सी इज ड्यू रिटर्न द अपर स्ट्रीम एड्रेस. ठीक है, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, तो बेसिकली क्या समझ आ जाएगा मोटा. ठीक है, अब बेसिकली ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग वे से करवाया, तो ठीक है. और ये वाले फंक्शन थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने लिखा है कि ये ग्लोबल फंक्शन यहाँ से वर्क कर रहा है और यहाँ से ये कर रहा है. मतलब हमें क्या करना है कि अगर कोई भी API हिट करे ना, तो API हिट करने के साथ साथ हमें क्या करना है कि जैसे ये वहाँ जाएगा डायरेक्टली इंडेक्स फाइल पे और यहाँ पे इसको पढ़ेगा, क्योंकि ये क्या माना जाता है, इंडेक्स फाइल जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं ना, तो सबसे पहले इंडेक्स फाइल एग्जीक्यूट होती है, इसमें कोई भी कोड लिखा है तो फिर वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आएगा, अपने राउट पे जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार इसको क्लीन कर लेता हूँ, वन सेकंड, कंट्रोल सी, देन क्लियर व्हाट वी रिटन हियर.
ओके हमको क्या रेट ऐड करना है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया की परचेज डन कर लेते हैं। ओके इट्स वर्किंग, राउट के अंदर आए हैं हम। अब राउट के अंदर आने के बाद क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये एपीआई के अंदर यहाँ पे नाम लिखा हुआ है टेस्ट मी, ठीक है, तो हम बेसिकली आगे का उठाएंगे क्योंकि हमारे पास पहले लिखा हुआ है वो वाला, अब पोस्टमैन में जाएंगे। अब यहाँ पे टेस्टिंग टू लगा रखा हमने, तो अब यहाँ पे इसको रिटर्न करा रहे हैं, एंटर करवा देंगे, फिट कराएंगे रिटर्न। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड होना चाहिए, इट्स वर्किंग, ठीक है, माय फर्स्ट एपीआई एवर एपीआई। तो यहाँ पे यहाँ क्या कर रहा है, इधर आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और जैसे हम प्रोग्राम हिट करते हैं तो ये रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है, जैसे कि हमने क्या बताया था उस टाइम, इधर आ जाते कंसोल में, मतलब इंडेक्स फाइल में। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हिट कर रहा है ये प्रोग्राम, ठीक है, थोड़ा और ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, सबसे मैं पहले हमें चाहिए था कि ये फंक्शन के अंदर 8 आना चाहिए, 46 आना चाहिए, 38 आना चाहिए, ठीक है, तो अभी क्या प्रेजेंट टाइमिंग हो रहा है 8:47 PM, ठीक है, तो 8:47 हो रहे हैं, तो 8:46 पे ये रन हुआ है ना। अब यहाँ पे 8:46 रन हो गया, ठीक है, और ये वाला हिट हुआ है, ये वाला हिट हुआ है, मतलब अब बेसिकली ये क्या बता रहा है, हमारा टाइमिंग्स बता रहा है। तो अब टाइमिंग्स बताने के साथ साथ क्या करते हैं, अब यहाँ पे जैसे कि ये एड्रेस बता रहा है वन, इट विल बी आल्सो शोइंग वन, इट मीन्स इट रिटर्न द फंक्शन व्हाट वी, मतलब इट विल बी रिटर्न द एड्रेस, हमें ये कौन सा एड्रेस मिल रहा है तो वो रिटर्न कर देता है, वो वैसे के लिए डिस्कस कर लिया था। अभी क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये ओरिजिनल यूआरएल आ रहा, तो ये फटाफट ये रिटर्न कर लेगा जो हमने पहले देख लिया था। अब यहाँ पे जैसे कि कुछ अभी वर्क नहीं किया है, अभी कुछ शो नहीं किया है, तो अब देख लेते हैं इसको वापस सेट करा के कि क्या इशू आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट एवर एपीआई यहाँ पे भी शो किया है क्योंकि वहाँ पे कंसोल के अंदर लिखा हुआ था इधर माय फर्स्ट एवर एपीआई, ठीक है। अब यहाँ पे हम वापस देख लेते हैं, कंट्रोल सी कराते हैं, इसको वापस रिटर्न कराते हैं कि क्या क्या चेंजेस मेड हुए। तो वापस डन कराते हैं, अभी इसके अंदर क्या क्या आ रहा, ग्लोबल फंक्शन वर्किंग आ गया, ये ग्लोबल फंक्शन वर्किंग आ गया, ये वाला ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइमिंग बेस पे हमने फॉर्मेट दिया था वो आ गया है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग ये टाइमिंग आ गया है, रिमोट एड्रेस आ गया है, ये भी आ गया है। तो बेसिकली ये दोनों एक ही फंक्शन, एक मतलब एक ही वर्क कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, तो हमने दोनों मेथड्स से देख लिया, ठीक है, तो अब टेस्ट भी है, ये भी देख लिया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब थोड़ा सा चेंजेस करा के दूसरी एपीआई ऐड करवा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, देन यहाँ पे हिट करते हैं, वाओ इट्स वर्किंग, ठीक है। अब ये कहाँ जा रहा है, टेस्टिंग है, अपन जैसे ही हिट करेंगे, पोस्टमैन पे जाएंगे, हिट करेंगे, ये फाइल्स क्या करेगा, यहाँ से ये देखेगा कि कॉमन एमडब्ल्यू कहाँ है, कॉमन एमडब्ल्यू ऊपर देखते हैं हम, बहुत यहाँ कॉमन एमडब्ल्यू है, मिडल वेयर के अंदर है, कॉमन मिडल फेयर फाइल्स में, तो यहाँ पे जाते हैं कॉमन मिडल फेयर फाइल्स में। अब यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, राउट, अब नो फंक्शन यूज कर रहा है, तो हम इसके अंदर पूरा नो फंक्शन संभालेंगे, तो फिर यहाँ पे मिल जाएगा हमको नो फंक्शन ये लिखा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे ये नो फंक्शन को एक्सेस कर रहा है। तो अभी कंसोल तो यहाँ करेगा दिस इज चेकिंग प्रोसेस, तो ये दिस इज चेकिंग प्रोसेस यहाँ कंट्रोल कंसोल पे प्रिंट हो गया, ठीक है, और क्योंकि कंसोल में करता है, तो कंसोल में क्या करता है, टर्मिनल पे वो प्रिंट कर देगा चीज को। अब यहाँ क्या कर रहा है, अब ये जो रेस डॉट सेंड है, अब ये ब्राउजर पे प्रिंट करेगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे यहाँ आ रहा, तो वाओ इट्स वर्किंग, ठीक है, तो इट्स वर्किंग, हाँ यही हमारा असाइनमेंट था, तो बहुत ही सफल था। इसके अंदर बेसिकली करना क्या था,
इंडेक्स में जाते हैं, तो यहाँ पे जो भी फाइल का फाइल रन कराएंगे तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट सबसे पहले इसी को लेगा, ठीक है, बाद में वो चीज़ें रन करवाएगा। जब भी हम किसी भी एपीआई को हिट कराएंगे, यहाँ से टेस्ट मी को कराएं चाहे टेस्टिंग टू को कराएं चाहे किसी को भी कराएं, तो बेसिकली ये वर्क करेगा। और यहाँ पे जो भी फंक्शन लिखाएगा वो सबसे पहले उसको लेकर के वो वर्क करवा देगा, ठीक है। तो वो देखता है कि ठीक है यहाँ पे ये पहले जो भी फंक्शन इंडेक्स फाइल में लिखा हुआ है वो पहले रीड कराएंगे और इट विल बी रन, ठीक है। तो बेसिकली ये यही असाइनमेंट था हमारा, बहुत ही इजी था क्योंकि हमने एक बेसिक लेवल पे चालू किया था, तो ये इट्स ऑल।